वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब बिलाल साहब अगेन फिर कहाँ गायब हो गए, किधर गायब हो गए हमारे जनाब यूट्यूबर भाई मोहम्मद बिलाल हुसैन। तो जनाब ऑफिशियल मसरूफियात काफी ज्यादा होने की वजह से, ठंड काफी ज्यादा होने की वजह से, गैस के ना आने की वजह से बड़े मसले मसाइल जो है वो दरपेश थे और इसकी वजह से आज 18वां दिन है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, 19वां दिन है बल्कि आज, और आज जो है वो वीकेंड था। तो मैंने कहा कि जनाब आज लाजमी तौर पर जो है वो वीडियो बनानी है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि डेली बेस के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई जाए। और आज एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग किस्म की खाने पीने की जगह के ऊपर उसका फूड रिव्यू लेकर जो है ना मैं दोबारा से जो है वो हाजिर हुआ हूँ। और वो फूड रिव्यू जो है वो है जनाब, इस टाइम हम लोग जो है वो एक बड़े ही मजेदार किस्म के चाय के पॉइंट के ऊपर जो है वो मौजूद है। और ये चाय का पॉइंट जो है किस जगह पे मौजूद है, ये चाय का पॉइंट जो है वो सूसा रोड के बिल्कुल कॉर्नर जो है उसके ऊपर मौजूद है, जिसके साइड पे फ्लैट भी मौजूद है और जोंग का ऑफिस जो है ना ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो जगह है ये बहुत ही जो है ना बड़ी फेमस जगह है, इसका यहाँ पर एक छोटा सा टी स्टॉल है और वो टी स्टॉल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है चाय के हवाले से। और सबसे मजे की चीज ये है कि यहाँ पे रात के टाइम जो है वो पराठे भी लगते हैं, अंडे वाला पराठा, आलू वाला पराठा और मुख्तलिफ किस्म के पराठे भी बड़े मजेदार यहाँ पे मौजूद होते हैं। और इनकी चाय जो है शक्कर वाली चाय उसकी तो क्या ही बात है, ऐसी डिलीशियस मिशियस किस्म की चाय होती है कि यकीन करें कि मजा ही आ जाता है। अभी आप लोगों का मेरा चेहरा देख के लग रहा होगा कि बिलाल साहब जो है वो बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो डेफिनेटली जनाब इस टाइम जो है वो यूनिवर्सिटी से वापस आए हैं, तो मैं और बेगम वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा कि जनाब आज जो है वो लाजमी तौर पर हम जो है वो वीडियो बनाएंगे, थकन को गोली मारें, लेकिन वीडियो जो है वो आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए लाजमी तौर पर बनानी है। तो जनाब चाय अभी हमारी जो है वो आ चुकी है और जलेबियां भी बड़ी मजेदार किस्म की आ चुकी हैं। तो जनाब ये चाय और जलेबियां जो है वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये जनाब आ गई आपके पास जलेबियां, ठीक है जी। ये जलेबियां जो है ये जो चाय वाला पॉइंट है उसके बिल्कुल साथ जो है ना ये जलेबियां जो है वो मौजूद है और बड़ी ही खस्ता और बड़ी ही मजेदार किस्म की जो है ना वो जलेबियां, यकीन करें। और मुझे वैसे जलेबियां बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन गरम गरम जलेबियां हो और शीरे वाली जलेबियां हो तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। और कुछ जलेबियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कलर उन्होंने नहीं किया होता तो वो इतने ज्यादा मजे की नहीं लगती, लेकिन ये जलेबियां जो है ये ऑरेंज सा कलर इसके अंदर मौजूद है, इस वजह से ये बहुत ही मजे की लगती है। तो अभी जनाब इसको खा के ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। यम 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 यम, मेरे साथ रहिएगा। ये मैं बल्कि मैं खाने लगाऊ, खाने लगाऊ। कैसी है? ओए, मजे की है यार, कमाल हो गया। मैं कहता हूँ इतनी मजे की जलेबी है, जलेबी वैसे ही बहुत ज्यादा मजे की होती है। यार गरम गरम जलेबी हो और जब वो मुंह में जाके घुलती है और जो शीरे का टेस्ट आता है ना, मैं कहता हूँ पूरे दिन की थकन ही उतर गई। हाँ भी बेगम कितना फिर मजे की है ना, मुझे क्या पता मैं खाऊंगी। हाँ जी हाँ जी, मैं तेरा थोड़ी सी मैं, थोड़ी सी हाँ बेगम, ये मैं बेगम को खिला लगा। ये ना जनाब बेगम साहब, ये जनाब मैंने अभी बेगम को खिलाई है, वे भी बहुत ही मजे की जलेबी है, बहुत ही खासा जलेबी है, इंटरेस्टिंग जलेबी है। और इसके साथ साथ जो यहाँ की चाय है ना शक्कर वाली, यार उसका भी अपना ही मजा, बेहतरीन किस्म की चाय है। और आप ये देखें जरा, ये चाय के कप जो है ना ये बड़े ही जबरदस्त किस्म के इनके चाय के कप है, इनका मुझे डिजाइन बड़ा पसंद है चाय के कपों का। और उसके साथ फिर इनकी जो चाय है ये तकरीबन 70 रुपीज का एक कप हो गया, हाफ कप जो है ना ये तकरीबन 70 रुपीज का है। और ये बहुत ही मजेदार और डिलीशियस मिशियस किस्म की चाय है। ये भी मैं जरा छुड़का लगाता हूँ और छुड़का लगा के आपको बताता हूँ। ओए हो, ये एक दफा दिखाइएगा, ये देखे जरा, मैं कहता हूँ जनाब क्या बात है, इतनी गाड़ी गाड़ी और इतनी स्ट्रांग किस्म की चाय है ना कि मजा ही आ जाता है और थकन उतर जाती है बंदे की। यार छुड़का लगा के चाय पीने का अपना ही मजा, यकीन करें, और इतनी मजेदार चाय। हाँ इसमें जब आप ऑब्वियसली जलेबियां खाते हैं तो मीठा आपको ऑब्वियसली कम फील होता है, लेकिन ओवरऑल चाय की जो कंसिस्टेंसी है, चाय का जो ओवरऑल टेक्सचर है, जो उसका मुंह में टेस्ट आता है, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मजे का है। मैं अगेन बता दूं कि ये जो ठेला है जहां से हमने जलेबियां और ये चाय जो है वो ली है, ये ठेला जो है ये सूसा रोड के एंड पर मौजूद है। सूसा रोड का एंड कहां, जहां पे जो है वो फ्लैट मौजूद है और जोंग का ऑफिस भी मौजूद है, उसके बिल्कुल साथ जो है ना वो zameen.com का ऑफिस भी मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ पर इसके कॉर्नर के ऊपर ग्राउंड के साथ जो है ना वो जनाब जो है ये जो ठेला है चाय का जो है ये मौजूद है। और यहाँ से चाय
बड़े मजेदार मिलती है और जलेबियां मिलती हैं और जनाब यहाँ पे पराठे और आलू वाला पराठा, अंडे वाला पराठा, मुख्तलिफ किस्म के पराठे जो है ना वो भी मिलते हैं। तो जनाब अभी जो है वो हम मजेदार किस्म की जो है वो चाय इंजॉय करते हैं। ये छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा व्लॉग जो है ना वो मैंने बनाया था, हार्डली मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का होगा। ये इसलिए बनाया था ताकि मैं दोबारा से अगेन कंटिन्यूटी करूँ, क्योंकि जब हम जरा थोड़ा डिले से व्लॉग बनाते हैं ना तो यकीन करें बोलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कैमरे को देखते हुए। तो इंशाल्लाह ताला वाली चीज मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से अच्छे अच्छे व्लॉग्स दोबारा से आप लोगों के खिदमत में लेके आऊँ, एकेडमिक व्लॉग्स भी लेके आऊँ, शुगर मेले व्लॉग्स वाले भी लेके आऊँ, फूड के व्लॉग्स भी लेके आऊँ इंशाल्लाह ताला वाली चीज, ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो इंजॉय कर सके और आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार किस्म का सरप्राइज भी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपको या नेक्स्ट वीडियोज में आपको वो सरप्राइज जो है वो जरूर मिलेगा। अभी मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों को छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए हम इतने दिनों के बाद वीडियो बनाएगा तो मुझे बोलने में मुश्किल पेश आ रही है। अगर आपने ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल मोहम्मद बिन हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। देखिए मैं फॉर्म में आ रहा हूँ, ऐसे 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 करके मैं बोल रहा हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।